सो ही गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैडम व्यू मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन प्लस इसके कुछ अर्ली रिव्यूज के बारे में, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मैडम व्यू मूवी अभी से कुछ दिनों बाद ही रिलीज होने वाली है, जिसमें हमें पहली बार मैडम व्यू के साथ साथ स्पाइडरमैन के कई सारे कैरेक्टर्स को भी दिखाया जाएगा। वैसे जब इसका ट्रेलर आया था तो उसे देखते टाइम ही हम जैसे फैन समझ गए कि ये मूवी भी मॉर्बियस की तरह होने वाली है, जिसमें हमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। और इस मूवी के अर्ली रिव्यूज में भी यही कहा जा रहा है कि इस मूवी को बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं बनाया गया है। ये एक बिल्कुल ही मिड मूवी है, जिसमें बिना मतलब के सीन्स और कैरेक्टर्स को दिखाया गया है और इस पूरे मूवी का बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। तो हाँ, इस मूवी के जो अर्ली रिव्यूज हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो देखते हैं कि इस मूवी का क्या हाल होगा। अब बात करें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या होने वाला है। तो देखो, इसे लेकर तो पहले ऐसा कहा जा रहा था कि इसमें एंड्रू गारफील्ड या फिर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन होने वाला है, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक स्पाइडरमैन हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने वाला था। लेकिन बाद में सोनी ने इससे रिलेटेड मूवी में सब कुछ हटा दिया, क्योंकि पहले ये मूवी वेनम यूनिवर्स में टेक प्लेस करने वाली थी, लेकिन अभी ये मूवी एक अलग ही यूनिवर्स की मूवी होने वाली है। ये मूवी अब किसी भी यूनिवर्स का पार्ट नहीं है और ऐसे में इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को भी हटा दिया गया है। हाँ, तुमने सही सुना, इस मूवी में कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं होने वाला। अब देखो, किसी भी सुपर हीरो मूवी में उसका पोस्ट क्रेडिट सीन काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसे देखने के बाद आगे की मूवी को लेकर हाइप बढ़ जाती है। तो अगर इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में किसी भी स्पाइडरमैन का कैमियो हो जाता तो इसके लिए ये काफी अच्छा होता। लेकिन अब जब इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को हटा दिया गया है तो ये फिक्स है कि हमें इस मूवी में कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा और ये मूवी बेकार सुपर हीरो मूवीज की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। तुम ये मूवी देखने जा रहे हो या नहीं, ये कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक करना, और अगर कुछ ज्यादा अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।